ठंड के दस्तक के साथ ही चोरी की वारदात शुरू हो गई है। केहाट थाना चौक के डीआईजी चौक के समीप एक दुकान में अल्वेस्टर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरी की यह घटना एसएसबी के डीआईजी आवास के ठीक सामने घटी है। इसी से आप पूर्णिया में सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। जी बताएं कैसे कैसे क्या हुआ? रात में तो दुकान बंद कर चले गए थे, फिर सुबह जब 8 बजे दुकान खोल रहे हैं तो यहाँ पर देखे बिखरा हुआ था सामान सब, ऊपर से देखे पूरा टूटा हुआ है। तो देखे प्रिंटर भी नहीं है, नया वाला प्रिंटर जब था वो नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, वो इन्वर्टर भी नहीं है। फिर घर से पुराना वाला ला के लगाए हैं, काम चला रहे हैं किस तरह से। नगद भी कुछ चोरी हुआ? हाँ, नगद दराज में था, मैंने लगभग 5000 रुपये के आसपास था वो सब। कुल कितना का चोरी हुआ? लगभग 70000 रुपये का। आवेदन दिए थाना में? हाँ, थाना में दिए हैं आवेदन। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। क्या चीज़ का दुकान है ये? फोटो स्टेट का है, स्टेशनरी का। कितने बजे ये घटना हुई? ये एक बगल में सीसीटीवी में देखे हैं तो उसमें दिखाई दे रहा है कि दो लड़का आया है 12:34 में, वही लगभग 1 बजे तक मतलब किया है। जी, मैं रजत कुमार सिंह। मेरा नाम राजकुमार चौधरी हुआ। देवी शर्मा। पहली बार ही आया हूँ लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब बिग शॉप खुला है तब से हम मार्केटिंग कर रहे हैं। बिग शॉप बहुत अच्छा है। लगन का कपड़ा तो खास करके यहाँ बहुत ही सस्ता मिल रहा है। पहला चॉइस तो बिग शॉप ही रहता है वेडिंग के लिए। यहाँ कलेक्शन भी पूरे पूर्णिया से भी बहुत अच्छा है। कलेक्शन अच्छा है आपका? बहुत ही सस्ता दाम पे अच्छा अच्छा कपड़ा मिल रहा है, हर चीज मिल जाता है बढ़िया से। और आपके स्टाफ का जो भी है ठीक बढ़िया है? स्टाफ वगैरह जो है जो भी है बहुत ही उनका बिहेवियर तो सुंदर लगा है। बहुत बढ़िया, सबका अच्छा व्यवहार है। रही बात प्राइस की तो प्राइस तो इसका मत ही पूछा जाए। बहुत कन्वीनियंट है आपके यहाँ क्वालिटी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी आकर यहाँ पे इनका लाभ लें। सजेशन रहता है कि बिग शॉप में लीजिए।